नमस्कार, नौकरियां सरकारी सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज इस सीरीज में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में होने वाली होमगार्ड भर्ती की। दरअसल प्रदेश में जल्द ही होमगार्ड के 42,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। यूपी सरकार ने इन पदों पर दो चरणों में भर्ती करवाने का निर्देश जारी कर दिया है। ऐसे में अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं और मैट्रिक पास हैं, तो तैयारियां शुरू कर दीजिए। जल्द ही यूपी होमगार्ड विभाग इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। इस भर्ती से जुड़ी अन्य जानकारियों पर बात करें, उससे पहले होमगार्ड और उसके विभाग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। होमगार्ड, जिसे हिंदी में गृह रक्षक कहा जाता है, ये एक स्वैच्छिक बल यानी कि वॉलेंट्री फोर्स है, जिसे हमारे देश में पुलिस की सहायता के लिए बनाया गया था। जानकारी के अनुसार होमगार्ड की स्थापना 6 दिसंबर 1946 को बॉम्बे प्रांत में की गई, जब अंग्रेजी शासन ने किसी भी इमरजेंसी के समय लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस और सेना समेत अन्य सुरक्षा एजेंसियों की सहायता के लिए होमगार्ड को बनाया था। उस समय होमगार्ड गृह मंत्रालय के अधीन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए बनाया गया था। हालांकि देश को आजादी मिलने के बाद 1962 में होमगार्ड संगठन को पुनर्गठित किया गया था। होमगार्ड के जवान अक्सर खाकी वर्दी में नजर आते हैं। इनके पास 303 ली एनफील्ड SML राइफल, स्टेन और ब्रेन गन मौजूद होती है। इन्हें सिविल सोसाइटी के विभिन्न क्रॉस सेक्शन में भर्ती किया जाता है। इनकी तैनाती गृह जनपदों के अनुसार ही होती है। मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश में 76,000 से अधिक पूर्णकालिक होमगार्ड स्वयं सेवक है। इसमें लगभग 75,000 ड्यूटी पॉइंट पर तैनात है। इनमें से हर साल लगभग 4,000 होमगार्ड रिटायर हो रहे हैं। एक अनुमान है कि वर्ष 2033 तक 42,000 से अधिक होमगार्ड सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ऐसे में यूपी के मुख्यमंत्री ने नई नियुक्ति की प्रक्रिया समय से पूरी करने के निर्देश देते हुए दो चरणों में 21,000 होमगार्ड स्वयं सेवकों की भर्ती कराने का लक्ष्य रखा है, जिसकी प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाएगी। अब अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले इसके लिए आपको होमगार्ड विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए पहले आधिकारिक वेबसाइट homeguard.up.gov.in पर जाना होगा। होम पेज पर यूपी होमगार्ड रिक्रूटमेंट 2024 लिंक पर क्लिक करना होगा। फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरकर इसका रजिस्ट्रेशन संख्या व पासवर्ड आपके मोबाइल पर आ जाएगा। फॉर्म भरते हुए डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करें, आवेदन फीस का भुगतान करके सबमिट पर क्लिक करें और अंत में आवेदन फॉर्म का एक प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास जरूर रख लें। पात्रता की बात करें तो आवेदन करने वाले को 10वीं पास होना चाहिए और कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष का होना चाहिए। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, जैसे कि अभ्यर्थी के पास पासपोर्ट साइज का कलरफुल फोटो होना चाहिए, सिग्नेचर, शैक्षणिक योग्यता, पहचान प्रमाण पत्र, आवेदक का निवास प्रमाण पत्र, अगर लागू हो तो जाति प्रमाण पत्र आदि डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। तो बस नौकरियां सरकारी सीरीज में आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।